Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. My name is Aisha Ikram. I am a lecturer of zoology at Hamida Rashid Institute of Science and Technology, Multan. आज हम अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स. आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायो मीन लाइफ लिविंग थिंग, केमिस्ट्री मीन केमिकल कंपोनेंट्स, केमिकल कंपाउंड. तो हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स के अंदर, जानदारों के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स कंपाउंड या केमिकल प्रोसेस को स्टडी करना. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, एग्जैक्ट हम क्या है. बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड द केमिकल प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो क्या है, वो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर पाए जाने वाले केमिकल कंपोनेंट्स को और केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं. कि हमारे पास कोई भी जानदार है उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से केमिकल्स रिएक्शन, केमिकल प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं. हम इसको फर्दर देख लेते हैं. अ बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज़ एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का जो बेसिक नॉलेज है ये है. क्यों? क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है. एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है? आपको पता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को एंड बॉडी फंक्शंस को जो है वो स्टडी करते हैं. बिकॉज ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैव बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन. और अगर हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डिटेल से स्टडी करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ें. क्योंकि तमाम किस्म ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैव बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन. के जानदारों के अंदर पाए जाने वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शन हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पाए जाते हैं वो बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही होता है. ठीक है, जैसे कि आप ही पिक्चर में देख रहे हैं, उन्होंने थोड़ा सा उसको एलेबोरेट किया हुआ है. बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या चीज़ स्टडी करते हैं, अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को, प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड को, फर्दर न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड, डीएनए, आरएनए, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख लें कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मसल्स कंट्रैक्शन कैन ऑल बी डिस्क्राइब इन बायोकेमिकल टर्म्स. हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन का है, डाइजेशन का है, मसल्स कंट्रक्शन का है, ये तमाम प्रोसेस हैं जो आप जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. ये क्या है, ये बायोकेमिकल टर्म में ही हम इनको डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए आप पिक्चर में देख रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिखाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, वाटर है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, ये क्या है? ये केमिकल कंपाउंड्स हैं. तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो बायोकेमिकल टर्म्स के अंदर आ जाता है. इसी तरह से हमारे पास ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल आउट होना और ऑक्सीजन का जो है वो इनहेल होना, ये क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये तमाम चीज़ें क्या है हमारे पास? ये केमिकल्स कंपाउंड है, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि हम इनको बायोकेमिकल टर्म्स के अंदर स्टडी करते हैं. हम फर्दर देख लेते हैं, आल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सर्टन केमिकल्स कंपाउंड्स विच आर क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. जानदारों के अंदर पाए जाने वाले तमाम केमिकल्स कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्लासिफाई करते हैं. अब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या है हमारे पास? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह क्या है? ये हमारे पास जानदारों के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. जैसे कि पिक्चर में आप ये देख रहे हैं, ये हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास प्रोटीन पॉलीमर है, पाउंड्स, और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. कि अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाते हैं. यहाँ पर ये हम मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि क्या है मेटाबॉलिज्म. ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. किसी भी जानदार के सेल के अंदर पाए जाने वाले तमाम किस्म के केमिकल रिएक्शंस को एज अ होल हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. दीज आर कैटराइज्ड एज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म को फर्दर हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं. आप कह लें कि एक हमारे पास एनाबॉलिज्म है और एक कैटाबॉलिज्म है. रिएक्शन इन विच सिंपल सब्सटेंसेज आर कम्बाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन. वो रिएक्शन जिसके अंदर हम सिंपल सादा कंपाउंड्स को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, उनको हम एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं. दीज रिएक्शन नीड एनर्जी. ऐसे रिएक्शंस को
के लिए जो है हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। मैं पिक्चर में आप देख रहे हैं कि सिंपल कंपाउंड है, आप क्या ने उसके अंदर हम एनर्जी यूटिल इसके अंदर हमें एनर्जी की ज़रूरत है और एनर्जी लगा के हम क्या बना रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं कि वो रिएक्शन जिसके अंदर हम सिंपल कंपाउंड को जो है वो कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। कैटाबॉलिज्म हम किसको बोलते हैं? एनर्जी इज़ रिलीज बाय द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इंटू सिंपल वन सच रिएक्शन आर कैटाबॉलिक रिएक्शन, कि ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल वन के अंदर, के सिंपल कंपाउंड के अंदर हम उसको तोड़ देते हैं और इसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन। कि देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स था, उसको हमने तोड़ के सिंपल में कन्वर्ट कर दिया और उसके जब आपको पता है जब एक बड़े मॉलिक्यूल्स को हम डिनेचर करते हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो देखिए जब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म में हम सिंपल कंपाउंड को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और कैटाबॉलिज्म में हम कॉम्प्लेक्स को तोड़ के सिंपल बनाते हैं, तो इसको एज अ होल हम मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म को देख लेते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो बॉडी के अंदर क्यों ज़रूरी होते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। द मेन पर्पज ऑफ मेटाबॉलिज्म आर द कन्वर्जन ऑफ फूड टू एनर्जी टू रन सेलुलर प्रोसेस। कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के ज़रिए क्या होता है कि कोई भी फूड जो है वो हम लेते हैं वो इन मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से वो फूड जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, और वो एनर्जी जो है यूज़ होती है टू रन सेलुलर प्रोसेस, कि हमारे सेल्स के अंदर होने वाले जितने भी प्रोसेस हैं उसको रन करने के लिए हमें वो एनर्जी चाहिए जो मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से हमें फूड से हासिल होती है। सेकेंड है द कन्वर्जन ऑफ फूड टू बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के ज़रिए जो हमारी फूड कन्वर्ट होती है वो क्या, इसके अलावा वो क्या करती है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाती है फॉर प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह। कि प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए हमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए वो भी हमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से मिलते हैं बाय द कन्वर्जन ऑफ फूड। जैसे कि प्रोटीन, प्रोटीन किस चीज़ का प्रोटीन बनाने के लिए, जैसे कि प्रोटीन, प्रोटीन के लिए जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, तो अमाइनो एसिड जो है वो कैसे बनेंगे, वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से ही बनेंगे हमारी फूड को कन्वर्ट। द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, और इसके अलावा ये भी है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के नतीजे में बहुत सा जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज वगैरह हैं। दीज एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन अलाउ ऑर्गेनिज्म टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, मेंटेन देयर स्ट्रक्चर्स एंड रिस्पोंड टू देयर एनवायरमेंट। कि ये जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस हैं, ये जो मेटाबॉलिक एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है, एंजाइम कैटालाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वो कोई भी रिएक्शन जिसको कैटालाइज जो है वो एक एंजाइम कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। तो ये क्या करते हैं, अलाउ ऑर्गेनिज्म टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, मेंटेन देयर स्ट्रक्चर्स एंड रिस्पोंड टू देयर एनवायरमेंट। कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के नतीजे में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे ही एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने स्ट्रक्चर्स मेंटेन रखता है और एनवायरमेंट को रिस्पोंड कर सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड आप एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे मेरा लेक्चर इसी पेज पे देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।